हमारे देश में मनाए जाने वाले त्योहारों का विशेष महत्व है। यह महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब समारोह के बाद विशेष समुदाय द्वारा मिलन समारोह का आयोजन होता है। इस मिलन समारोह के माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और त्योहारों का आनंद लेते हैं। इसी क्रम में कटिहार के बंगाली राढ़ी समाज द्वारा विजयादशमी के बाद विजया मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कटिहार के रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में राढ़ी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या पुरुष, हर कोई इस मिलन समारोह का जमकर लुत्फ उठा रहा था। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर विजया मिलन समारोह का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस दौरान समुदाय से जुड़े बच्चों ने नृत्य एवं गीत के एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे देख मौके पर मौजूद लोग काफी खुश हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद समुदाय से जुड़े विशेष लोगों ने अपने विचार रखे। इसी क्रम में समुदाय की एक लड़की श्रेया घोष ने अपने संबोधन से लोगों को काफी प्रभावित किया। हम आपको बता दें कि श्रेया घोष दिल्ली यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान की छात्रा है। सबसे पहले तो मेरे जितने भी छोटे भाई हैं जो यहाँ पे परफॉर्म किया उनके लिए जोरदार तालियां। मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो स्टेज स्पिरिट थी ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए कीप ऑन माय भाई और बहनों, ऐसे ही आगे बढ़ो। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, स्टेज पे आने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है मेरे हिसाब से, एक कॉन्फिडेंस और एक कंटेंट। कॉन्फिडेंस के कारण मैं यहाँ हूँ, कंटेंट मेरा एक्सपीरियंस है। 3 साल तक मैं बाहर थी, बाहर पढ़ाई लिखाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि कटिहार जैसे शहर में हर सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं गई, जाने के बाद बहुत कुछ रियलाइज हुआ अपने समुदाय के बारे में। जब मैं यहाँ हुआ करती थी, मेरी मम्मी 3 बजे उठा के मुझे कह रही थी चलो चूड़ा नहीं खाते, और मम्मी यार क्या है मम्मी 3 बजे। मम्मी वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमारा समुदाय कितना प्यारा है। वो सारी चीज़ें जो मैं यहाँ आके मम्मी यार क्या कर रही हो, वो सबको मिस करती हूँ। बड़ा अच्छा है हमारा समुदाय। जब मम्मी वो कहती है कि 12 महीनों तेरा षष्ठी दुवाई नमा, तो वो भी याद आ रहा था, बहुत प्यारा है। और बिंग मतलब यंगस्टर होने के नाते मेरा मन है कि ये जो भी आप लोगों ने शुरू किया है हम इसे फॉलो ऑन करें, आगे ले जाएं। तो मेरा यहाँ से गुजारिश है कि अगले साल संचालन मैं करना चाहूँगी, अगले साल संचालन मैं करना चाहूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, सबसे मेरे लिए ये सब देखकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सर। इसके बाद आयोजन समिति के बिट्टू घोष ने अपने राढ़ी समाज के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हमारा समाज मूल रूप से बंगाली समाज है, लेकिन चूंकि हमारे पूर्वज बंगाल की राढ़ी नदी के किनारे बसते थे, इसलिए हमें बंगाली राढ़ी समाज के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग जो है मुर्शिदाबाद से ज़्यादातर लोग हम लोग आए हुए हैं, और ये पहले बंगाली था, पूरा बिहार उड़ीसा सब मिला करके, और ये बंगला कल्चर यहाँ पे था। हम लोग उस समय जितने भी लोग यहाँ आए, तो ये बिहार बनने के बाद हम लोग यहाँ से शिफ्ट होकर के बंगाल नहीं गए, तो हम लोगों का बंगाली परिवेश, बंगाली कल्चर। और ये जो राढ़ी समाज है, एक्चुअली संस्कृत में राढ़ी नदी है, उसका संस्कृत में नाम पड़ा है राढ़ी नदी बंगाल में, वहाँ के किनारे से हम लोग आके बसे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को राढ़ी समाज, राढ़ी कायस्थ के रूप में जाना जाता है। हम लोग मूलतः बंगाली हैं, बंगाली समुदाय इसको खाली मनाता है। जी एकदम, बंगाली समुदाय का सारा जो है वही है हम लोग, और हम लोग लक्ष्मी पूजा भी मनाते हैं, और हमारी शादी जो है बंगाली परंपरा से होती है, सारा कुछ हम लोग का बंगला ही है। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हैं, तो यहाँ के लोकल भाषा, लोकल जो कल्चर है, उसके साथ पिछले 200, 250, 300 साल का, 400 साल का, 500 साल का हमारा इतिहास है, तो हम लोग अब यहीं पर रच बस गए हैं, तो यहाँ के साथ सबके समाज में घुल मिल गए हैं। राढ़ी नदी के नाम से आप लोग जो है फिर अभी जाना जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग माइग्रेटेड हैं वहाँ पे जो नदी है वो राढ़ी नदी है, तो जो उधर रह गए उस नदी के उसको उत्तर राढ़ी कायस्थ बोलते हैं, हम लोग इधर दक्षिण राढ़ी कायस्थ बोलते हैं, लेकिन हम लोग मूलतः बंगाली कायस्थ हैं।